रवे में जान मरवावे। एक बार जब लत लग जाई लाख छोड़ई बा छूटी ना, माई बाप में हरियो छूटी जग में केहू पूछी ना। कि बेरोजगारी के मुदाई जब से उठैले मनीष भैया के जेल में भेजैले। इसके बाद है सरकार से ये सवाल है कि दम बात दिखावा सुधार के, बाहर जाओ नहीं लोगवा बिहार के। खलिहानी जवन बबी की बाद में बेटा बेटी पूछी का देबो तू जवाब रे शराब एकर अदतिया खराब। नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे भारत एक नई सोच। इस वक्त हम गोपालगंज जिले के बरहिमा के जो है कि करस घाट में पहुंचे हुए हैं और आप हमारे साथ बगल में देखेंगे ये दोनों भाई बहन की जोड़ी है। ये बिल्कुल अश्लील मुक्त गाना गाते हैं। आजकल के दौर में जो है कि जितने भी सिंगर इंडस्ट्रीज में यानी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, सब कोई चाह रहा है कि अश्लील गाना गा करके रातों रात जो है कि वायरल हो जाए और ज़्यादा जो है कि पैसा कमाने लगे और नाम और फेम मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दोनों भाई बहन है लगातार 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अश्लील मुक्त गाना गा करके जो है कि ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको लोगों के द्वारा प्रमोशन नहीं मिल पाता है। लेकिन आजकल के जो सिंगर है वो अश्लील गाना गा रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन वो गाना परिवार के साथ बैठ करके नहीं सुना जा सकता। लेकिन ये दोनों भाई बहन जो गाना गाते हैं ना, अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा भाई बहन सभी के साथ बैठ करके एक जगह खड़ा होकर के जो है कि काफ़ी अच्छे से पूरा गाना सुन सकते हैं। एक वर्ड उसमें ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा जो कि अश्लील लगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि इस चीज़ को आपको दिखाना चाहिए और इन लोगों को जो है कि प्रमोट करना चाहिए। इसी वजह से हम इन लोगों के पास पहुंचे हुए हैं और इन लोगों का गाना आपको ज़रूर सुनवाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है कि ये लोग अश्लील मुक्त गाना गाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नितेश अमृत है। नितेश जी, और आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम अमृत है, अमृत कुशवाहा है। जी, ये बताइए आप दोनों लगभग कितने सालों से गाना गा रहे हैं? साथ में तो बचपन से गाते आ रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में 4 साल हो गया। और आप भी साथ में 3-4 साल से गा रही हैं? जी। ये बताइए कि आप लोग साथ ही में क्यों सिलेक्ट किए, अलग अलग गा सकते थे लेकिन एक ही साथ भाई बहन कॉन्सेप्ट लाने का मतलब क्या है? ये मेरे पापा का सपना था कि दोनों आदमी साथ में गाएं, क्योंकि पहले उनका भी सपना था कि वो बड़े सिंगर बने, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो हम लोगों को बचपन से सिखाते आए कि हम लोग साथ में, पापा के साथ ही जब वो गाते थे तो हम लोग भी साथ में गाते थे और बचपन से ही सीखते आ गए पापा के साथ। अभी तो पापा नहीं है, लेकिन जब हम लोग स्कूल जाते थे तो साथ में गाते थे और सर एक क्लास में बुला लेते थे हम, जैसे एक क्लास हमसे जूनियर थी अमृता, तो इसको पहले बुला लेते थे सर और उसके बाद हम लोग दोनों आदमी को साथ में गवाते थे, एक साथ खड़ा करा के गाना गवाते। हाँ, तो उस समय हम लोग शिक्षा पे एक गाना गाते थे, वो उस समय सर हमेशा वो सुनते थे और लड़कों से बताते थे, देखो लोग ना पढ़ो लोग तेंगे हुई। थोड़ा वो गाना सुनाइए फिर हम आपसे खुद दोनों लोगों से, अब आपको भी याद हो गाना, तो थोड़ा दोनों लोग सुनाइए उसके बाद से आगे का जो बात है हम लोग करेंगे। तो वो गाना था भाई हो जे नाउ पढ़ी छैटी लेके घास गढ़ी, मिली नाही कौनो ओकर काम हो, यही से तो कहता नी पढ़ हमर भाई, पढ़ल से होत बावे चारूर बड़ाई। भाई हो जे नाउ पढ़ी छैटी लेके घास गढ़ी, मिली नाही कौनो ओकर काम हो। कहीं ना कहीं ये जो गाना है वो जो है कि बेरोजगारी पे है, अगर लोग पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार रह जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए गाना है पढ़ाई करिएगा और अच्छा डिग्री प्राप्त करिएगा, नौकरी का तलाश करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको भी नौकरी मिलेगा। ये बताइए कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है कि अश्लील काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी में गाना आ रहा है, फिर भी अश्लील मुक्त गाना गा रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा समय लगेगा आप लोगों को आगे बढ़ने में? ऐसे तो समय तो लग ही रहा है, 4 साल हो गया तो अभी भी वो मुकाम नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। और जो अश्लील गाना गा रहे हैं देख रही है कि एक से एक आल गाड़ी खरीद रहे हैं वो लोग, एकदम बगले के हैं वो भी जिसके तरफ आप इशारे किए हैं। एक गाना आ गया तो लगातार उसी पे गाना सब आ, एकदम उसी पे आएगा, लग रहा है कि क्या बताया छोड़िए, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं काफ़ी गलत बात है। भोजपुरी में जो सम्मान मिला है लोगों को, एक से एक आल जो गाने जो हिट रहे हैं, यहाँ के गाने जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सुने जाते थे, लेकिन आज कुछ छोटे मोटे कलाकार आकर के भोजपुरी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
और जो है कि पूरी तरह से जो है कि बर्बाद करके और वो लोग लग रहा है कि कुछ पैसा कमा करके और वो लोग चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भोजपुरी एक ऐसा भाषा है कि लगभग पूरे देश में बोली जाती है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं और काफ़ी मीठी भाषा है। कहीं ना कहीं इसको बर्बाद करना काफ़ी गलत बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है कि काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा ये लोग गाना गा रहे हैं तो इन गानों को कोई नहीं सुन रहा है, अश्लील गानों को सभी लोग सुन रहे हैं। ये बताइए कि दहेज प्रथा पे आप लोग कोई गाना लिखेंगे? जी लिखे हैं। तो थोड़ा दहेज प्रथा वाला भी आप दोनों गाना सुनाएं। हाँ कि हमरो तमान बा कि बबुनी खेलैती ताहरा के हम तो पढ़ैती लिखैती बाकी कहाँ हो पावे दहेज रे गौरवे में जान मरवावे दहेज रे गौरवे में जान मरवावे। ये जो बात है पिता बोल रहे हैं अपने बच्ची से कि मेरा भी मन है कि तुमको पढ़ाई लिखाए तुमको पैदा करें लेकिन क्या करें जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे साथ तुम्हें शादी करने के लिए मोटी रकम जो है देना पड़ेगा, इसलिए गर्भ में जो है हत्या कर दिया जा रहा है। सही बात है। सरकार जो है कि भारत सरकार या राज्य सरकार सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि दहेज मुक्त राज्य बनाए, दहेज मुक्त जो है कि अपना देश बनाया जाए। लेकिन बीच के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दहेज के लोभी है, दहेज के लालची हैं, दहेज के लिए जो है कि गर्भ में ही बच्चों का जो है कि जान ले रहे हैं, लड़कियों का जान ले रहे हैं, ताकि वो ज़मीन पर जब आएगी पढ़ाने लिखाने में खर्च, फिर शादी विवाह करने में मोटी रकम देनी पड़ेगी, जिसके वजह से उसको पहले ही गर्भ में जान ले लिया जा रहा है। और इस गाने के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग आजकल अपनी बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा गाना है और इस प्रकार का गाना जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आएगा तभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जो है कि सम्मान और आगे बढ़ेगा। कुछ और इन लोगों से गाना गवाएंगे, कुछ और थोड़ा गाना गाइए जो आप लोग जानते होंगे, जो ज्यादा चल रहा हो, जो आप लोग लिखे हो, वो सब गाना थोड़ा सुनाइए आप। वो गाना जो है शराबबंदी पर है, शराबबंदी पर नहीं है, शराब न पीने के लिए है कि मान लीजिए कि जहर बिक रहा है तो जहर आप लोग क्यों पीजिएगा, हम लोग क्यों पियेंगे। ऐसे तो शराब बंद है लेकिन हर जगह मिल जाता है, ये बात सबको जानता है, लेकिन मिल जाता है फिर भी हम लोग क्यों पियेंगे। सही बात है, शराब तो एक जहर है, जहर को नहीं पीना चाहिए। शराब के वजह से लगभग आंकड़ा देखा जाए तो देश में लगभग हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी जहरीला वो जहर है और उसको नहीं पीना चाहिए। और उसको लेकर के जागरूक करने के लिए इन लोगों ने जो गाना लिखा है वो गाना आप लोग के सामने ये लोग पेश करने जा रहे हैं। तो थोड़ा वो दोनों गाना आप लोग सुनेंगे। कि हसत खेलत जिंदगी भैया हो हसत खेलत जिंदगी भैया कह दी ही बर्बाद रे शराब एकर अदतिया हो खराब रे शराब एकर अदतिया हो खराब एक बार जब लत लग जाई लाख छोड़ब छूटी ना एक बार जब लत लग जाई लाख छोड़ब छूटी ना माई बाप में हरियो छूटी जग में केहू पूछी ना माई बाप में हरियो छूटी जग में केहू पूछी ना खेत खलिहानी जवन बबी की हो खेत खलिहानी जवन बबी की बाद में बेटा बेटी पूछी का देब तू जवाब रे शराब एकर अदतिया हो खराब रे शराब एकर अदतिया हो खराब। सही बात है, कितना बेहतरीन गाना है ये। शराब पी करके परिवार के लोग जो है कि काफ़ी ज़्यादा चौपट हो जाते हैं। अगर घर में कोई 1,000 रुपया कमा रहा है और वही पीता अगर जा करके शराब पी ले तो घर परिवार के लोग कैसे चलेंगे, घर का गुजारा कैसे चलेगा, साग सब्जी और त्यौहार कैसे मनेगा। ये कहीं ना कहीं इस गाने के माध्यम से लोगों को दर्शाया गया है कि अगर शराब पियेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आने वाले समय में पटीदार के लोग अगल बगल पड़ोसी पटीदार कोई भी नहीं पूछेगा, तो शराब जो है कि ना पिए तो ही बेहतर रहेगा। और इस गाने के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को यही संदेश देने का जो है कि प्रयास ये दोनों भाई बहन कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप दोनों जब गाना गाते हैं तो गांव के लोग आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? हमको नहीं लगता है कि कोई अच्छा सोचता है। नहीं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा कोई सोचते बुरा नहीं सोचता है।
सोचते भी होंगे तो अपने मन में सोचते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई क्या, शुरू में जब आप लोग स्टार्ट किए तो कैसा लगा, मतलब लोगों को क्या सपोर्ट मिला? जी सब कोई बोल रहा था बहुत अच्छा, ऐसा ही गाते रहो। सही बात है, सपोर्ट मिलना भी चाहिए, अगर इस प्रकार के गाना गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। ये बताइए, गाना आप ही लोग लिखते हैं, आप किसी से लिखवाते हैं? और लोग भी लिखते हैं, लेकिन अभी जो दो गाना तीन गाना सुना है वो सब हमारे मेरा लिखा हुआ है। पीछे का सब गाना आप लिखे हैं जी? और गाना आप लोग खुद लिखते हैं या फिर किसी और से लिखवाते भी हैं? हम लिखते हैं और दूसरा कोई भी लिखता है। गाना स्टूडियो में भी गाते हैं जी? कोई गाना भी जो चला हो ज्यादा, अच्छा खासा चला हो ऐसा कोई गाना? अभी कोई अच्छा खासा कोई इतना ज्यादा नहीं चला है। अच्छा, इस प्रकार के आप लोग गाना गाते हैं, लिखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और नहीं चलता है तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होता है कि भाई इतना अच्छा गा रहे हैं उसके बाद से लोग नहीं देख रहे? तो तकलीफ तो होता है, लेकिन क्या कीजिएगा। तो आपको नहीं लगता है कि हमको भी अश्लील गाना चाहिए? नहीं, ऐसा लगता है कि मुकाम जल्दी मिल जाएगा अश्लील गाने से, लेकिन मान लीजिए कि फेमस होंगे आप तो लोगों के जब तक दिल में आप जगह नहीं बनाते हैं तो उस फेमस का क्या मतलब है। गलत तरीके से तो पैसा लाखों लोग कमाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका अगर ये लोग अपना लेंगे तो जल्दी ही वायरल हो गए, दो चार दिनों में ही वायरल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये स्थिरता से और अश्लील मुक्त गाना गा करके वायरल हो तो कहीं ना कहीं उनको जो मुकाम है वो आगे तक जाएंगे और अपने देश का नाम और अपने राज्य का नाम, गाँव का नाम जो है कि काफ़ी ज़्यादा रोशन करेंगे। कभी कितना गाना अभी आप दोनों मिल करके एक साथ कितना गाना आप लोग गा चुके हैं? अभी 4-5 गाना गाए हैं स्टूडियो से जी। अभी सब जो है कि सोशल मीडिया पर अपलोड है। हाँ, अभी कोई उस वैस लाइक चला नहीं है अभी। नहीं कोई उस ये जो गाना भी हम गाए उसको म्यूजिक पे भी हमने गाया है और रिलीज किए हैं अपने चैनल पे नितेश अमृत ऑफिशियल पे जी। और कुछ गाना जैसे कि मनीष कश्यप का जो मैटर चल रहा है उस पर कोई गाना उन्होंने लिखा है? हाँ, उस पर भी लिखा है। थोड़ा वो गाना सुनाइए, क्योंकि मनीष कश्यप को लोग देखना चाहते हैं और उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सुनाइए। तो उस पर हमने लिखा है, कैसन बिहार में होता वे खेल हो, बोलता सोच जे भी जाता वे जेल हो। कैसन बिहार में होता वे खेल हो, बोलता सोच जे भी जाता वे जेल हो। कि बेरोजगारी के मुदाई जब से उठैले, कि बेरोजगारी के मुदाई जब से उठैले। अरे इसे तो नेता जी बवाल बाड़े कोइले, मनीष भैया के जेल में भेजैले, इज्जत बचावे लई कांड बाड़े कोइले, यही से भैया के जेल में भेजैले। इसमें और भी मनीष कश्यप को लेकर के गाना गाया गया, इसमें और भी आगे लाइन है। मान लीजिए कि सरकार बता रही है कि जो तमिलनाडु वाला घटना है ये गलत है, मान लीजिए कि वो एकदम गलत है, तो जो महाराष्ट्र में घटना हुआ था, जो गुजरात में हुआ था वो भी गलत है, जो गुजरात में हुआ था क्या वो भी गलत है? कहाँ कहाँ सरकार अपने आप को निर्दोष साबित? मान लीजिए कि जब एक बार हो गया तो उससे तो सीखना चाहिए, उससे नहीं सीखी सरकार, फिर दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, उस पर हमने लिखा है कि बात नया नहीं तो पुरान बा, बिहारी लोग के न कोई अड़न बा, बात नया नहीं तो पुरान बा। उसके बाद है सरकार से ये सवाल है कि दम बात देखाओ सुधार के, बाहर जाओ नहीं लोगवा बिहार के, रोजगार मिलो अपना बिहार में, कि सारा जनता के हक में आवाज उठैले, कि सारा जनता के हक में आवाज उठैले। अरे इसे तो नेताजी बवाल बड़े कोइले, मनीष भैया के जेल में भेजैले, इज्जत बचावे लई कांड बाड़े कोइले, यही से भैया के जेल में भेजैले। ये गाना आप ही लोग लिखे हैं जी? अच्छा, आप लोग गाना लिखते हैं तो आप लोग मेहनत नहीं लगता है? लगता नहीं है कि कितना स्ट्रगल है इसमें? लगता है, ऐसे तो जल्दी तैयार नहीं होता है, लेकिन उस पर सोचते सोचते हो जाता है, तैयार हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि अश्लील गाना गा करके जल्दी वायरल होखा जा सकता है या फिर अश्लील मुक्त गाना गा करके ज़्यादा मतलब जल्दी वायरल होखा जा सकता है? देखिए, अश्लील गाना गा करके जल्दी वायरल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं भी जाइएगा तो आपको सामान नहीं मिलेगा जो आप अश्लील मुक्त गाना गा करके सामान आपको जो मिल जाएगा। शायद आप लोग कल्पना का नाम सुने होंगे, अनु दुबे का नाम सुनेंगे, भरत शर्मा जो कि एक व्यास थे, अभी भी गाते हैं, अब कम गाते हैं, उनका नाम सुनेंगे। उन लोगों को जो रुतबा है भोजपुरी में वो किसी और सिंगर के पास है नहीं है, वो कभी मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसी राह पे आप लोग भी चले कि वो लोग जो करके गए वही करें जी। तो काफ़ी जो है कि यूनिक एक कॉन्सेप्ट लोग लेकर आया है, भाई बहन है और कितना अच्छा जोड़ी लग रहा है। ये बताइए, जब शादी हो जाएगी बहन की, बहन अपने ससुराल चले जाएंगी, तब क्या होगा आपका? तब अकेले गाएंगे। अकेले गाएंगे, लेकिन जो लोग जोड़ी देख करके पसंद किए हों उनका क्या होगा, वो लोग क्या सोचेंगे?
अब क्या करेंगे हम कितना दिन रखेंगे नहीं बैंड के घर पे ही जाके रह जाएंगे ये भी सही है वहीं से जाकर के वहीं से गाने गाएंगे या फिर जो है कि स्टूडियो में बुला करके गाना गाकर फिर भेज देंगे ये भी बात सही है सही बात है आपको भाई मानते हैं जी मारते उड़ते हैं जी मारते भी हैं मारते हैं बड़े हैं तो जाहिर सी बात है गलती करिएगा तो काटेंगे जी डांटते नहीं वो पीटते हैं ज्यादा मतलब समझाते नहीं है गलती करते तो सीधे पीटने लगे जी ये तो गलत है हमारे कैमरा पे लोग देखेगा तो इनको क्या सोचेगा बहुत बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए छोटी बहन होती है ना वो एक समझिए नहीं नहीं वैसा हम लोग में होते रहता है ये भी मारती है ऐसा मतलब हर घर का खेल है वो हर घर का खेल है हमारी बहन भी थी तो डेली लड़ाई होता था एक दिन बिना लड़ाई के हम लोग नहीं रहते थे और आज वो ससुराल चली गई है ना तो कहीं ना कहीं हमको काफ़ी तकलीफ लगता है कभी कभी घर में अचानक लगता है कि मेरी दीदी उस घर में बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं जब अपने ससुराल लेंगी तो आपको सबसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा को जितना तकलीफ नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको तकलीफ होगा और ये सच्चाई है कुछ और गाना आप लोग गा सकते हैं क्या कोई ऐसा गाना ये जो गाना है वैसे बच्चे होते हैं जब शादी विवाह उनका हो जाता है तो अपनी माता को है जो घर से निकाल देते हैं और उनको आश्रम में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं हाँ। और उनको दर दर का ठोकर खाना पड़ता है उसी पे हमने लिखा है कि जे कोखिया में रख लख नौ महीना बोला कैसे तेजला कि जे कोखिया में रख लख नौ महीना बोला कैसे तेजला लुटैली तो हपे जिंदगिया सारा घर से कैसे खेदेला लुटैली तो हपे जिंदगिया सारा घर से कैसे खेदेला कि जे कोखिया में रख लख नौ महीना बोला कैसे तेजला कि जे कोखिया में रख लख नौ महीना बोला कैसे तेजला ये जो गाना है अगर आप लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये महसूस किएंगे कि कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं उसके लिए गाने और वो लोग वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर होते हैं वो खुद को जो है कि अपने बच्चों को 9 महीना रखती है पेट में कोख में उसके बाद से जब जन्म होता है वही लड़का जब सहारा बनने के बजाय घर से निकाल देता है तो इस गाने के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से वो अत्याचार अपने माता पिता के ऊपर वो बच्चा करता है और ये गाने के माध्यम से यही संदेश जो है कि देने का इन लोगों ने प्रयास किया है एक और गाना जो कि भ्रूण हत्या पे आप लोग बता रहे थे कि वो गाना लिखे हैं थोड़ा वो गाना भी आप सुनना वो मेरा लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो गाना अच्छा लगा तो हमने सोचा कि साथ में गाएंगे तो अच्छा लगेगा अरे जदी मोरी माई जनी है धियारी जनमी है ता दी है जानी को खिए में मार मोरा मने अताने बालल साकी तोहरी सुरतिया के एक बार लिहती निहार अतने बसाद माई रे मोरा तनिए सखेल लिहती कोरा अतने बसाद माई रे मोरा तनिए सखेल लिहती कोरा कितना अच्छा गाना ये लोग गा रहे हैं कहीं ना कहीं ये काफ़ी जो है कि विचलित कर रहा है गाना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर रहा है और यहाँ पे जितने भी लोग अगल बगल खड़े हैं ना कहीं सबको जो है कि ये गाना इमोशनल कर रहा है जो भी जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं वो लोग सारे इस गाने को सुन करके जो है कि एक जगह खड़े हो गए हैं कितना बेहतरीन लोग गाना गाते हैं अगर इस प्रकार के सिंगर को जो है कि प्रमोशन नहीं मिलेगा तो जो अश्लील गाना गा रहे हैं उनको प्रमोशन मिलने से क्या फ़ायदा है तो आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम भोजपुरी बोले जाने वाले जितने भी लोग हैं चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो सभी लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाया जा सके और सभी लोग मिलजुल करके दबा करके इस वीडियो को शेयर करिए और सभी लोग मिलजुल करके एक बार प्रयास करिए कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो है कि अश्लील मुक्त गाना को प्रमोट किया जाए ताकि आने समय में अपने भोजपुरी को बचाया रखा जाए बहुत बहुत धन्यवाद।